राग रामकली। परिचय। राग रामकली भैरव थाट से उत्पन्न हुआ राग है। इसमें ऋषभ, धैवत, कोमल दोनों निषाद तथा दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। इसका वादी स्वर प और समवादी स्वर सा है। गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। राग रामकली की विशेषताएं। इसमें दोनों मध्यम तथा दोनों निषादों का प्रयोग होता है। तीव्र मध्यम का प्रयोग आरोह में पंचम के साथ होता है। कोमल नी का प्रयोग अवरोह में धैवत के साथ होता है। जैसे प म प, ध नि ध प, ग म नि ध प अथवा सा नि ध नि ध प। तीव्र मध्यम और कोमल नी रामकली को भैरव से अलग रखते हैं। इस राग में केवल दो बार भैरव के समान रे और ध पर आंदोलन किया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि भैरव का आंदोलन गंभीर और कई बार, किंतु रामकली का आंदोलन अपेक्षाकृत चंचल किंतु कम होता है। यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में रे कोमल, ग शुद्ध होने के साथ साथ म भी शुद्ध होना चाहिए। इसमें दोनों मध्यम अवश्य लगते हैं, किंतु तीव्र मध्यम की अपेक्षा शुद्ध मध्यम प्रधान है। कुछ विद्वान इसकी जाति संपूर्ण मानते हैं, किंतु आरोह में ऋषभ अति अल्प रखते हैं, बहुधा उसे छोड़ भी देते हैं और निसा ग म प म प प्रयोग करते हैं। कभी कभी निसा ग म रे, रे ग म प ग म रे रे सा प्रयोग कर लेते हैं। इसके न्यास के स्वर हैं सा और प। इसका सम प्रकृतिक राग है राग भैरव। राग रामकली की कुछ विशेष स्वर संगतियां निम्नलिखित है। प म प, प ध नि ध प, ग म नि ध प, सा नि ध प, म प ग म रे रे सा, ग म प ध ध प म प। राग रामकली का आरोह अवरोह व पकड़ इस प्रकार है। सा ग म प ध नि सा, सा नि ध प म प ध नि ध प ग म रे रे सा। म प ध नि ध प ग म रे रे सा। ग म नि ध प ध प म प प म प म ग ग म नि ग म नि ध
Saga